प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 10 अपूर्व अनुभव। ये पाठ तोतो चान नामक जापानी भाषा में लिखी पुस्तक से लिया गया है। जापान में एक लड़का रहता था यासुकी चान तथा एक लड़की रहती थी तोतो चान। वहां बच्चे अपने पेड़ पौधों का चुनाव करते और उन पर चढ़कर खेलते। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरे शिष्टाचार से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था, वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, इसलिए तोतो चान ने उसे पेड़ पर आमंत्रित किया था। तोतो चान ने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने में पूरी सहायता की चढ़ाने की सहायता करने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाया। उसने सीढ़ी लगाई, अन्य चीजें भी लगाई। उसी चीजों को हम आगे पढ़ रहे हैं कि यासुकी चान तोतो चान के पेड़ पर किस तरह से चढ़ता है। वह एक टिपाई सीढ़ी घसीट के ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। टिपाई की दूसरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, ये डगमगाएगी नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर टिपाई सीढ़ी और पसीने से तर बतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। दोनों को यह बिल्कुल भी नहीं पता नहीं चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ाने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चान की सीढ़ी से पेड़ पर जाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा, तोतो चांद की रुलाई छूटने को। इस तरह से तोतो चांद ने यासुकी चांद को कड़ी मेहनत और सीढ़ी और टेबल की सहायता से उसे अपने पेड़ पर चढ़ा लिया। इसके आगे क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।